फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं सिखाऊंगी आपको इंग्लिश के कुछ नए वर्ड्स। अगर आप इनको अपनी आम बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं तो आप अपने दोस्तों के बीच बना सकते हैं एक बहुत अच्छा इम्प्रेशन। तो चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है इवन कील। इमोशनली और मेंटली स्टेबल, यानी कि जब आप मानसिक और भावनात्मक रूप से स्थिर होते हैं। वेन समवन इज़ वर्किंग और प्रोग्रेसिंग स्मूथली एंड स्टेडिली, यानी कि जब कोई अपने काम में बिना ज़्यादा अप डाउन के तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा होता है तो हम इवन कील यूज़ करते हैं। आप ये किसी की व्यवसाय या नौकरी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू गेट बैक ऑन एन इवन कील आफ्टर माई मदर डाइड। मेरी माँ की मृत्यु के बाद मुझे मानसिक और भावनात्मक रूप से स्थिर होने में लंबा समय लगा। माई ब्रदर्स बिजनेस इज़ नॉट ऑन एन इवन कील। मेरे भाई का व्यवसाय स्थिर नहीं है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा अप डाउन्स आ रहे हैं। बियर फेस्ट, एन ऑर्गेनाइज्ड इवेंट इन विच अ वैरायटी ऑफ बियर्स आर सर्व्ड। पार्टी जिसके अंदर तरह तरह की बियर्स परोसी जाती है। मिस्टर प्रदीप इन्वाइटेड मी इन अ बियर फेस्ट बट आई रिफ्यूज्ड। श्रीमान प्रदीप ने मुझे बियर पार्टी में आमंत्रित किया लेकिन मैंने मना कर दिया। लेट्स हैव अ बियर फेस्ट, चलो बियर पार्टी करते हैं। हैंग्री, ड्यू टू हंगर समवन बिकम्स अनकंट्रोल्ड, यानी कि भूख की वजह से जब कोई अनकंट्रोल्ड हो जाता है, जब किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है तो हम क्या कहेंगे, हैंग्री। जैसे छोटा बच्चा होता है, ज़्यादा भूख की वजह से बहुत रोने लग जाता है, उसको चुप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप रेस्टोरेंट गए हो, आप ऑलरेडी भूखे हो, आपका खाना ऑर्डर किए हुए भी आपको काफ़ी समय हो गया, आपका खाना नहीं आया तो आपको गुस्सा आने लग जाता है, तो इस तरह की कंडीशंस को हम कहेंगे हैंग्री। आई गेट वेरी हैंग्री इफ़ आई मिस ब्रेकफास्ट, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग जाती हूँ अगर मैं अपना खाना छोड़ देती नाश्ता छोड़ देती हूँ। यू सीम हैंग्री, गो ईट समथिंग देन वी विल टॉक। लगता है आप बहुत ज़्यादा भूखे हो, जाओ खाना खाओ फिर हम बात करेंगे। ओसम सोस, इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब समथिंग रियली गुड, एक्सट्रीमली गुड। ये बहुत, जब बहुत कुछ अच्छा होता है, कूल होता है, तो हम उसके लिए क्या कहेंगे, ओसम सोस। यानी कि आप किसी इंसान के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप कहो कि ये बहुत कूल है, ये बड़ा कूल बंदा है, तो आप क्या कहेंगे, ओसम सोस। My video has gone viral, awesome sauce. मेरी वीडियो वायरल हो चुकी है, ये बहुत अच्छा है। You are really awesome sauce. आप वास्तव में बहुत अच्छे हो। Time poor, lacking free time, someone mostly busy in work. यानी कि जब किसी के पास time नहीं होता, जो professional बंदे होते हैं उनके पास ज़्यादा time नहीं होता, तो आप कह सकते हैं कि he is time poor. माई सिस्टर इज़ टाइम पुअर, मेरी बहन के पास समय की बहुत कमी है। दीज डेज माई फोकस इज़ ऑन यूट्यूब, बिकॉज ऑफ दैट आई एम टाइम पुअर। इन दिनों मेरा ध्यान यूट्यूब पर है, जिसकी वजह से मेरे पास समय की कमी है। रेनबो बेबी, अ बेबी बोर्न आफ्टर अ मिसकैरेज स्टिल बोर्न और नियोनेटल डेथ। नियोनेटल डेथ होता है, यानी कि जब कोई बच्चा पैदा होने के बाद मर जाता है। स्टिल बोर्न होता है, जब कोई शिशु कोई बेबी पैदा ही मरा हुआ होता है। ओके, तो इन सब परेशानियों के बाद जब कोई दूसरा बेबी होता है तो उसको हम रेनबो बेबी कहते हैं। प्रिया इज स्नेहाज रेनबो बेबी, प्रिया स्नेहा की रेनबो बेबी है, यानी कि उसको पहले कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है और उससे अब ये उसका दूसरा बेबी है। स्नेहा इज प्रेग्नेंट विद हर रेनबो बेबी। हेट वॉच, वॉचिंग अ टेलीविज़न प्रोग्राम वाइल साइमल्टेनियसली हेटिंग इट्स कंटेंट। यानी कि आप किसी टेलीविज़न के शो को देखते हो, प्रोग्राम को देखते हो, और साथ ही साथ आप उसकी बुराई भी करते रहते हो। हेट वॉचिंग इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, यानी कि जब आपको कोई कुछ प्रोग्राम पसंद नहीं है उसके बावजूद भी आप देखते हो, यानी कि आप अपना टाइम खराब करते हो।